जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने कैंडिडेट्स की एक और फहरिस्त को जारी किया गया, जिसमें रजौरी असेंबली हलके से एडवोकेट विबोध गुप्ता व नौशहरा से रविंदर रैना को मैदान में उतारा गया है। वहीं राजौरी असेंबली हलका से बीजेपी लीडर विबोध गुप्ता, जो कि मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनका नाम सामने आने के बाद बीजेपी काडर की तरफ से तहसील चौक में एक जश्न को मुनक्किद किया गया। इस दौरान एडवोकेट विबोध गुप्ता ने मौका पर पहुंचकर जहां मंदिर में माथा टेका, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने पार्टी के वर्कर्स व लीडर से मुलाकात भी की। इस दौरान विबोध गुप्ता ने यह कहा कि अगर लोग उन्हें राजौरी असेंबली हलका से वोट देकर कामयाब करते हैं तो वो राजौरी असेंबली हलका के तमाम इलाकों की यकसां तरक्की को यकीनन बनाएंगे। उनका मजीद ये दावा भी था कि राजौरी असेंबली हलका से बीजेपी एक रिकॉर्ड मार्जिन के साथ जीत दर्ज करेगी। वहीं इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट विबोध गुप्ता की क्यादत में राजौरी शहर में एक रैली भी निकाली गई। मैं सबसे पहले तो अपनी पार्टी का जो हमारा नेतृत्व है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय तरुण चुग जी, हमारे जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी हमारे राम माधव जी, माननीय राम माधव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रविंदर रैना जी, हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री अशोक कौल जी, हमारे जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी आशीष सूद जी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते राजौरी विधानसभा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जितानी है, उसकी जिम्मेवारी मुझे उन्होंने सौंपी है। मैं उनसे वादा करता हूँ, मैं अपनी पार्टी से वादा करता हूँ कि राजौरी विधानसभा 10,000 कम से कम 10,000 की लीड से जीत कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। मैं राजौरी की जनता का भी धन्यवाद करता हूँ। हमेशा मुझे राजौरी के लोगों ने प्यार दिया, यहाँ की माताओं ने, यहाँ के हमारे बुजुर्गों ने, हमारी बहनों ने, भाइयों ने, बच्चों ने मुझे हमेशा प्यार दिया है। और आज मैं वैसे घर आ रहा था, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरे लिए बड़ी जिम्मेवारी मेरे कंधों पर सौंपी जाएगी। मैं अपने राम मंदिर जो है बाबा दुधाधारी आश्रम, वहाँ पर आरती करने के लिए चला गया। जैसे ही आरती करके बाहर आया तो वहाँ एकदम से एक मैसेज आ गया कि आपको एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है कि कमल के फूल को राजौरी से जिताकर आपने विधानसभा में भेजना है। ये भगवान श्री राम जी का पूरा आशीर्वाद जो है वो मेरे साथ है, राजौरी की जनता का साथ है। मैं राजौरी की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि जब जीत कर जाने के बाद राजौरी की जनता का हर काम होगा, उनके सारे सपने पूरे होंगे। जो मैं MLC होने के बाद जो मैंने काम किए,
और उसमें जो अधूरे काम रह गए हैं, चाहे रजौरी शहर की बात करें, चाहे हम ढांगरी की बात करेंगे, चाहे हम डूंगी की बात करेंगे, चाहे हम ठंडी कसी से लेकर कटार मल्द और इरवा के क्षेत्र की बात करेंगे, चाहे हम इधर से ऊपर अपना चौधरी नार से लेकर हमारा जो है ऊपर का जो जितना भी इलाका है तनोर गोरसियाँ और सारा इलाका, वो ढनीतार की चाहे हम बात करें, जवाहर नगर की बात करें, जितना जम्मू का हमारा रजौरी विधानसभा है, रजौरी विधानसभा को के लोग जो है जनता जो है जीतने के बाद मैं जनता कष्ट में ना आए ये मैं पूरा प्रयास करूंगा। मैं वादा करता हूं कि जीत के बाद मैं अपनी जनता में रहूंगा, जनता के बीच रहूंगा, एक आम कार्यकर्ता बन के रहूंगा, जनता के जज्बातों के साथ कभी मैं खिलवाड़ नहीं करूंगा, जनता को हमेशा मैं दिखाई दूंगा, उनके बीच रहूंगा और राजौरी विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा, राजौरी विधानसभा के हर गांव को, राजौरी के कब्जे को पूरे तरीके से डेवलप करूंगा। एक बार फिर मैं अपनी पार्टी का धन्यवाद करता हूं। और इस समय मैं ये कह रहा था कि जब मैं वहां पर आरती के लिए गया वहां पर, उसी समय अब सैकड़ों की संख्या में राजौरी शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम समाज के लोग जहाँ पर आए और मुझे यह माला पहनाकर मुझे प्यार दिया है, मैं इस प्यार को संजो के रखूंगा, संभाल के रखूंगा और अपना काम करके मैं ये प्यार रजौरी की जनता को वापस दूंगा। जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ।